हेलो वेलकम क्लास सेवेंथ टू योर हिस्ट्री क्लास सो स्टूडेंट्स एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर फोर दैट इज़ मुगल एम्पायर स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस सो फार अबाउट वर द मुगल्स मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स नाउ अवर रिसेंट टॉपिक इज़ मुग़ल एम्प्रर्स ठीक है और मुग़ल एम्पायरस में हम बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर इन सब एम्पयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शाहजहां ओके सो शाहजहां जो था वो सिक्सटीन से लेकर 1658 तक जो है राज किया शाहजहां ने तो जैसे कि जहाँगीर की बात बता रही थी मैं कि खुद सेल्फ़ प्रोक्लेम टाइटल जो है ले लेते थे वैसे ही शाहजहां ने जिसका नाम था प्रिंस खुर्रम ठीक है इसने भी जो है टाइटल ले लिया था शाहजहां ठीक है सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल था शाहजहान शाह मतलब शाहजहान मतलब किंग ऑफ द वर्ल्ड तो अब आपको मैं पूछूं कि फॉर व्हाट डू यू नो शाहजहाँ तो आपको सबसे पहले दिमाग में आएगा किसके बारे में इस ताजमहल के बारे में तो आपने शुरू से छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है कि शाहजहाँ ने ताज महल बनाया था बनवाया था ठीक है तो वो तो ठीक है रही बात ताजमहल की ठीक है लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इसकी मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में ठीक है तो कहाँ कहाँ मिलिट्री कैंपेन्स जो हैं वो शाहजहां ने लगाई ठीक है तो सबसे पहले मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर हिम तो मुगल कैंपेन्स जो थी डेकन में यानी कि साउथ वाले पार्ट में ठीक है इंडिया के साउथ पार्ट में चलते रही कैंपेन्स जब से आपको बताया था मैंने कि अकबर जो है वो मैक्सिमम इंडिया पे कब्ज़ा कर चुका था लेकिन जो साउथ की तरफ वो नहीं गया था तो आगे जो है उसके आगे सक्सेसर जो हैं वो साउथ पे डन एरिया में कब्जा करने लगे अफग़ान नोबल खान जहाँ लोदी रिबेल्ट एंड वॉज डिफीटेड एंड ऑर्चा सीज्ड तो क्या हुआ कि ख़ान जहाँ लोदी जो है जहाँ लोदी कौन था आपको बताती हूँ जहाँ लोदी जो था वो जहाँगीर के का नोबल था ठीक है तो जहाँगीर ने जो शाहजहां का कौन हैप्पी था तो जहाँगीर ने अपना जो है बहुत सारे नोबल्स थे जिनको उसने अलग अलग एरिया जो है संभालने को दिए थे ठीक है तो वैसे ही एक शाहजहान जो है सॉरी खान जहाँ लोदी जो था वो भी एक क्या था जहांगीर ने डक्कन की रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहजहां लोदी को सॉरी खान जहां लोदी को दी थी ठीक है तो वो एक नोबल था ठीक है तो शाहजहां अब जैसे कि आ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सक्सेसर्स थे ऐसा नहीं है कि पुराने जो राजा थे जो जिनको वो नॉबल्स बनाते थे तो आगे के जो राजा हैं जो आगे सक्सेसर्स बनेंगे उनके वो भी उनको वैसे ही लाइक like करें ठीक है तो वैसे वो उसको लाइक like नहीं करते थे ठीक है तो वो जो था किसका वफ़ादार था वो तो जहांगीर का वफ़ादार था लेकिन शाहजहां उसको लाइक like नहीं करता था क्योंकि वो उसका बेटा था तो इसलिए जो है Uh, ये uh, नोबल जो था खान जहान इसने रिबेल कर दिया ठीक है और लेकिन यह हार गया था और, और जो हाँ वो सीज हो गया था ठीक है जो हाँ वो सीज हो गया उसके बाद आता है बलक्स वॉज सीज फ्रॉम द ऑसबेक्स एंड खानदार वॉज लॉस टू द बीच ठीक है तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सफ़ावीद डायनेस्टी थी ईरान की डायनेस्टी थी आपको मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था कि बाबर ने सफावीर से हेल्प ली थी ठीक है तो दोबारा जो है उसने एक साल के लिए दोबारा दिल्ली में कब्ज़ा किया था जब एक बार उसको हरा दिया गया था ठीक है तो उसके बाद अकबर के साथ सफाबीर के अच्छे रिलेशंस नहीं थे ठीक है लेकिन इसीलिए आगे भी उसके रिलेशंस अच्छे नहीं रहे इसलिए उन्होंने उस बेग्स और ख़ानदार को जो है वो हार दिया था मतलब कि वहाँ जो जगहें थीं उज़बेक्स और ख़ानदार वो मुगल्स जो हैं हार गए थे किसको को सफाबीर को मतलब सफाबीर ने क्या किया वहाँ पर जो है उनके साथ रिबेल किया लड़ाई की वहाँ पर युद्ध लड़ा और सफावीर ने जीत लिए उबेक्स और ख़ानदार ठीक है ड्यूरिंग मुग़ल एम्पायर जो था जब शाहजहां के पास था देन इन सिक्सटीन अहमदनगर नगर वॉज़ फाइनली अनेक्स एंड बिजेपुर फोर्स सूट फॉर पीस तो 1632 में क्या हुआ अहमदनगर आपको मैंने बताया था कि अकबर भी जो है ये जहांगीर जो था वो भी अहमदनगर पे कब्ज़ा करना चाहता था नहीं हुआ ठीक है उसके बाद जो है अहमदनगर जो है वो और बिजेपुर वाला इलाका जो है मतलब डक्कन एरिया जो है वो जो है अनेक्स कर लिया था फ़ाइनली शाहजहां ने ठीक है उसके बाद देखिए क्या हो गया कि टर्बुलेंट पीरियड आ गया उसकी लाइफ का तब क्या हुआ जैसे कि रिपीटेडली मैंने आपको बताया कि मुगल एम्प्रेस जो थे उनके बेटे जो थे सक्सेस जो बनते थे वो हमेशा अपने पिता के ख़िलाफ़ रिबेल करते थे तो वैसे ही रीत चली आ रही है पुरानी तो वो रिबेल करते जा रहे थे वैसे ही जो है के बेटों ने भी जो है रिबेल किया था ठीक है तो शाहजहाँ के बेटे थे औरंगजेब दारा शिकौफ़ और भी दो बेटे थे ठीक है तो अब ये शाहजहाँ चाहता था कि मेरा बेटा दा, दारा शिकौफ जो है वो आगे राजा बने ठीक है क्योंकि वो अच्छा था उसमें ट्रेड्स अच्छे थे एज किंग बनने के लेकिन औरंगज़ेब जो था उसने रिबेल कर दिया औरंगज़ेब जो था उसने क्या किया औरंगजेब ने अपने जो है पिता को ही जो है जेल में डलवा दिया था ठीक है ताजमहल के पास जो है वहाँ पर जेल में महल में ही जेल में डलवा दिया था और क्या किया उसने सिक्सटीन सिक्सटी फिफ्टी सेवन से लेकर सिक्सटीन फिफ्टी एट तक जो है शाहजहां का ये लास्ट का जो टाइम पी, पीरियड था ठीक है ये जो यहाँ टाइम पीरियड लास्ट का टाइम पीरियड था उस दिनों जो है औरंगज़ेब ने अपने जो है तीन जो ब्रदर थे दारा शिकौब के समेत तीनों ब्रदर्स को मार दिया और अपने ही पिता के अगेंस्ट जो है रिबेल किया क्योंकि उसको जो है वो किंग नहीं बनाया जा रहा था ठीक है तो औरंगज़ेब ने ये सब किया और ख़ुद जो है वो राजा बन गया और शाहजहां को यानी कि अपने ही पिता को क्या किया था आगरा फोर्ट में ही इम्प्रिजन कर दिया था ठीक है तो अभी जो है नेक्स्ट आ जाता है औरंगजेब ठीक है तो औरंगजेब जो है 1658 से 1707 तक रहा ये औरंगज़ेब जो है माना जाता है कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा जो है मुग़ल एम्पायर जो है फैला था ठीक है लेकिन फिर भी औरंगज़ेब इज़ नोन एज ए अनपॉपुलर मुग़ल रूलर तो ऐसा क्यों कहा गया कि अनपॉपुलर मुग़ल रूलर है क्यों क्योंकि उसको कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्यों क्योंकि वो ज़्यादा जो है अपने रिलीजन पर ध्यान रखता था रिलीजस प्रेशर बनाता था लोगों पर ठीक है जैसे अकबर की बात आती तो अकबर ने कॉपरेट करके जो है अपना अलेक्स किया था इंडिया ठीक है वो राजपूत रूलर्स के साथ जो है अच्छा था उसका व्यवहार अच्छा था उनके साथ वो मिलकर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे ठीक है तो लेकिन जब औरंगजेब की बारी है तो औरंगजेब जो था मान सकते कि कटर एक मुस्लिम था ठीक है तो वो सिर्फ अपने ही रिलीजन को अच्छा मानता था और बाकी के सब को सप्रेस करता था इस चीज़ के लिए ठीक है तो इसलिए उसको अनपॉपुलर मुगल रूलर कहा जाता है तो मिलिट्री कैम्पेन्स उसको कौन कौन से उसने किए तो अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिबेल्ट अगेन इन सिक्सटीन एट्टीस जैसे आपको पुराने लेक्चर्स में मैंने बताया है कि अहोम्स जो थे वो हारते नहीं थे मुगल से मुगल बहुत बार उनको हराते थे लेकिन उसके बाद दोबारा अहोम्स जो है सिक्सटीन में हरा दिए गए लेकिन दोबारा से रिबेल कर दिए उन्होंने और सिक्सटीन में फिर से जो है वो अपनी जो है रूलिंग पार्टी में आ गए थे ठीक है कैंपेन्स अगेंस्ट यूसुफ जाय एंड सिक्स वर टेम्प्रेली सक्सेसफुल ठीक है तो कैंपेन्स जो थी जाय और सिक्स के अगेंस्ट uh, जो है जाय अब कौन है यूसुफ जाय जो थे वो ट्राइबल कंपनी कम्युनिटी uh, के थे ठीक है तो ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कि uh, जो थी आपको मंगोल ट्राइबल कंपनी कम्युनिटी uh, मैंने बताई थी वैसे ही ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी ठीक है तो ये थे और उसके बाद जो सिक्स थे ठीक है ये ट्राइबल कम्युनिटी होगी और सिक्स जो थे वो जो थे उनके अगेंस्ट जो भी कैंपेन्स लड़ी गई वो टेम्परली सक्सेसफुल रही लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ बाद में दोबारा से सिक्स और जो थे ये यूसुफ जय जो है दोबारा से रूल में आ गए थे मुगल्स इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेट टू देयर रिबेलियन अब क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब जो था बहुत कट्टर था तो इसकी जैसे बोला जाता है कि जो जहाँगीर है जहांगीर की जो वाइफ थी वो भी एक राठौर राजपूत प्रिंसेस थी ठीक है मारवाड़ की तो उनके खिलाफ उनके ही घर वालों के खिलाफ जो है जब इसने जो है वहाँ पर रिबेल किया तो वहाँ पर आ, ये सब जो है इसको औरंगजेब को बहुत भारी पड़ा ठीक है वहाँ पर जो थे पहले मैंने आपको बताया कि अकबर जो था वो राजपूत रूलर्स के साथ अच्छा घुल मिलकर रहता था कॉपरेशन से रहता था एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी थी ठीक है तो मैंने आपको ये भी बताया कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करता था बहुत ही ज़्यादा रूथलेस रूलर था ठीक है तो इस तरह से उसने क्या किया जैसे ये शिवाजी राव ठीक है शिवाजी जो थे ठीक है वो उनको उनके अगेंस्ट भी बहुत रिबेल किया था अब जो शिवाजी थे वो हिंदुज़म को जो है प्रमोट करते थे और ये जो है वो इस्लाम को प्रमोट करता था औरंगज़ेब ठीक है तो बहुत सारे जो है इसलिए कैंपेन्स हुए मिलिट्री कैंपेन्स हुए मराठा की तरफ ठीक है शिवाजी जो थे मराठा थे रूलर थे तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है रिबेल किए थे औरंगज़ेब ने ठीक है तो अब आती है बारी की अनेक्सेशन कितना ज़्यादा हुआ था तो इंडिया में देखिए आप यहाँ तक साउथ तक यहाँ तक जहाँ तक ऑरेंज पार्ट है वहाँ तक पूरा डेकन प्लेट्यू भी सीज़ कर लिया था औरंगज़ेब ने ठीक है बहुत ज़्यादा रूटलेस रूलर था किसी की नहीं सुनता था ठीक है सिर्फ अपनी ही जो है मनमानी करता था लोगों पर हुक्म चलाता था लोगों पर जो है दबाव बनाता था अपने ही रिलीजन का ठीक है तो इस तरह का औरंगजेब था ठीक है लेकिन जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्पायर को एक्सपैंड करने में सफल रहा औरंगज़ेब ठीक है आगे जो है, आगे जब बाकी आगे बात आती है औरंगज़ेब के बाद के रूलर्स के बारे में वो इतने वो उनको इसलिए लेटर मुगल्स कहा जाता है क्योंकि उनके टाइम पीरियड में सब कुछ ख़राब होते गया टूटता गया जो बनाया गया था जो एक्सटेंशन हुई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं रही थी ठीक है Campaigns under Aurangzeb were not very successful. आप ये नहीं कह सकते कि सक्सेसफुल नहीं थी लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी तो इसके बारे में रीजन्स क्या हैं औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा रिबेलियंस जो हाँ फेस की है फेस किए क्यों किए क्योंकि औरंगजेब जो है हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी ही चलाता था अपने सप्रेस करता था लोगों को प्रेस्ट करता था ठीक है तो वैसे ही अगर आप अगर लोगों की बात नहीं मानेंगे तो लोग भी आपकी तरफ रिबेल करेंगे ठीक है तो बहुत सारे जो थे लोग थे वो उन जैसे कि राजपूत रूलर्स थे बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने जो है वो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रिबेल कर दिया था क्योंकि वो आ, उनका जो है वो रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करना उनको पसंद नहीं आया ठीक है और औरंगज़ेब जिस हिसाब से रूल करता था वैसा उनको नहीं पसंद आया और वो जो हैं उन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रूलर्स ने उसके खिलाफ रिबेल किया था ठीक है जैसे कि प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब अब प्रिंस अकबर कौन है प्रिंस अकबर जो है वो औरंगजेब का ही बेटा है ये अकबर वो वाला अकबर नहीं है ये प्रिंस अकबर आगे जो है इसका बेटा था औरंगज़ेब का ठीक है तो औरंगज़ेब का बेटा प्रिंस अकबर जो था अब जैसे मैंने आपको बताया कि सफ़ावीद से जो है बनती नहीं थी किन मुगल्स की लेकिन अब प्रिंस अकबर जो था वो किसके खिलाफ था औरंगज़ेब के खिलाफ था इसलिए प्रिंस अकबर को सफ़ावीद डायनेस्टी ने बहुत शरण दी उसकी हेल्प की ठीक है मराठा सौर द कंसल्टनेट से ठीक है हेल्प ली और प्रिंस अकबर ने क्या किया रिबेल कर दिया औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ औरंगजेब एंड एक्स विजयपुर इन और 1685 एटी फाइव एंड गोलकोंडा इन सिक्सटीन और सेवन औरंगजेब ने विजयपुर को सिक्सटीन फाइव में जो है कब्जे में ले लिया और गोलकंडा को सिक्सटीन एटी सेवन में फ्राम सिक्सटीन ऐटी नाइन औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन डेकन अगेंस्ट द मराठास और सिक्सटीन एटी नाइन से स्टार्ट हो गया था औरंगजेब जो है डेक्कन की तरफ जाना ठीक है और डेकन के वहाँ पर जब मराठास का जो रूल था छत्रपति शिवाजी का ठीक है तो उनकी तरफ जो है वो आगे जो उसके भी सक्सेसर्स थे उनके खिलाफ जो है मराठास के खिलाफ जो है डेकन को अनेक्स करने का पूरा पूरा जो है था जितना भी काम वो औरंगजेब ने खुद किया है पर्सनली औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स अब देखो जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा जो है ये रिबेलियन जो है फेस करता था औरंगजेब क्योंकि जो है ये सबके खिलाफ था इसलिए बाकी सब भी इसको रिबेल करते थे और नॉर्थ इंडिया में सिक्स जाट्स जो थे ठीक है जैसे सूरजमल वगैरह जाट्स जो थे या सिक्स थे ये जो हैं इसको क्या करते थे रिबेल कर दिया उन्होंने एंड सतनामी इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अहोम्स और अहोम्स की बात बार बार आती है ठीक है अहोम्स हो गए और भी बहुत सारे रूलर्स जो हैं वो इसको लाइक नहीं करते थे औरंगजेब को ठीक है मराठास हो गए अहोम्स हो गए तो इन सब को क्या किया रिबेल किया औरंग और औरंगज़ेब को रिबेल किया इन सब ने दैन हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंगेस्ट हिज सन्स और एंड में उसकी डैथ जो है वो कैसे हुई जैसे कि हर एक की हुई हर एक के मुग़ल रूलर के बेटों ने उन उनकी मौत की वजह वो बने ठीक है चाहे कैसे भी बने रिबेल करके बने जो भी बने वैसे ही जो थे इसकी डेथ भी सक्सेशन की वजह से ही हुई सक्सेशन कन्फ्लिक्ट था उसके बेटों में औरंगजेब के बेटों में ठीक है दो बेटे थे आजम शाह और बहादुर शाह ठीक है तो आज़म शाह को जो है रूल रूल मिल गया ठीक है लेकिन फिर बैटल ऑफ जज्वा में जो है बहादुर शाह जीत गया था और बहादुर शाह को एंड में मुग़ल एम्प्रर बनाया गया था ठीक है तो ये जो है बाकी आगे के जैसे बहादुर शाह जफ़र है या उसके आगे बेटे थे वो आगे मुग़ल एम्पायर को इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए इनफैक्ट बाकी के रूलर्स जो हैं उनको हराते जा रहे थे और धीरे धीरे जो है मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा सेवेंटीन सेंचुरी में ठीक है तो ये हमने पढ़ा सारे मुगल एम्पायरस के बारे में जो ग्रेटर मुग़ल से पहले के हैं ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर सो थैंक यू स्टूडेंट्स